अब से लोग मूवी स्टूडियोस पर भी केस कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर का वो ट्रेलर तो याद ही होगा जिसमें हल्क था पर मूवी में वो नहीं था। तो ये चीज़ फॉल्स एडवर्टाइजिंग है और एक डिस्ट्रिक्ट जज ने अब डिक्लेयर किया है कि अब से ऐसे फॉल्स एडवर्टाइजिंग के लिए मूवी स्टूडियोस पर केस किया जा सकता है, जो टेक्निकली सही भी है। अब ये शो हुआ यस्टरडे मूवी से, तो दो फैंस ने यस्टरडे मूवी के लिए पैसे पे किए अमेजॉन प्राइम को, क्योंकि मूवी के ट्रेलर में ऐना दे अरमास थी पर जैसे ही वो मूवी को देखे तो उसमें ऐना का कहीं नामो निशान नहीं था। तो अपने $4 के लिए उन्होंने यूनिवर्सल पर $5 मिलियन का केस कर दिया, जिसमें जज ने भी उनकी साइड ले ली और अब ये हर आने वाली मूवी के साथ किया जा सकता है। वैसे देखा जाए गाइस तो एक डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला एमसीयू के लिए अभी उतना बड़ा नहीं है, बट अमेरिका में सिविल राइट्स बहुत ज्यादा सीरियसली लिए जाते हैं। तो देखो आगे क्या होता है।